क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बनी पिता, पत्नी राजश्री ने दिया बेटी को जन्म। छठ पूजा का पहला दिन, घाट पर सजावट और साफ सफाई का काम जारी। बार जिले में नदी से बरामद हुआ महिला का शव, परिजनों में मचा कोहराम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सहरसा में प्रतियोगिता में सफल बच्चों को किया गया पुरस्कृत। विधान पार्षद सहित कई लोगों ने किया समारोह का उद्घाटन। पूर्वी चंपारण में क्षमता वृद्धि कार्यशाला का आयोजन, सहायक कमांडेंट ने की कार्यशाला की अध्यक्षता। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है बिहार की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के घर नई पीढ़ी का आगमन हो गया है। बताया जा रहा है कि लालू के बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पिता बन गए हैं। 27 मार्च की सुबह तेजस्वी की पत्नी रेचल उर्फ राजश्री ने बेटी को जन्म दिया और तेजस्वी के साथ ही परिवार के बाकी सदस्यों ने भी बेटी के आगमन पर खुशियां जाहिर की है। बिहार के बाढ़ जिला में चैती छठ को लेकर गंगा नदी घाटों पर सफाई का काम शुरू कर दिया गया है, जहां उमानाथ पोस्ट ऑफिस, अलखनाथ सहित कई जगहों पर गंदगी को हटाया गया है और घाटों पर बांस से बैरिकेटिंग कराई गई है। साथ ही प्रशासन द्वारा विशेष व्यवस्था भी की गई और भीड़ को देखते हुए उचित प्रबंधन का आदेश प्रशासन को दिया गया है। बिहार में पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया में रामरेखा नदी पर छठ को लेकर घाट की साफ सफाई चल रही है। बताया जा रहा है कि आज छठ पूजा का पहला दिन है, जिसको लेकर घाट पर सजावट और साफ सफाई का काम किया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि छठ घाट पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर छठी मैया को अर्घ देते हैं और छठी मैया से आशीर्वाद मांगते हैं। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में रक्सौल के एवं प्लान इंडिया और मानव तस्करी के रोधी इकाई क्षेत्रक मुख्यालय एसएसबी द्वारा एसएसबी अधिकारियों की क्षमता वृद्धि कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सहायक कमांडेंट मनोज कुमार द्वारा की गई। साथ ही कार्यशाला का संचालन इंस्पेक्टर मनोज कुमार शर्मा द्वारा किया गया है। बिहार के मोतिहारी में महागठबंधन प्रत्याशी और माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह द्वारा समर्थित प्रत्याशी आनंद पुष्कर का निजी होटल में भव्य स्वागत किया गया, जहां प्रेस को संबोधित करते हुए आनंद पुष्कर ने कहा कि हम नियोजित शिक्षकों की सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और सभी समस्याएं हल होंगी। प्रेस वार्ताएं चल रही है, आगामी जो सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का यह बिहार विधान परिषद का उपचुनाव होने जा रहा है, हमारे पिताजी
स्वर्गीय श्री केदारनाथ पांडे जी 2002 से लगातार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आ रहे थे और अभी पुनः 3 वर्ष पहले शिक्षकों ने उनको चुनके बिहार विधान परिषद में 2020 से 2026 के लिए शिक्षकों ने अपना आशीर्वाद देके उनको भेजा था और सड़क से लेकर सदन तक वह शिक्षकों की लड़ाई को लड़ते आ रहे थे। बहुत सारी कार्य योजनाओं को उन्होंने पूरा किया है, चाहे वह नियोजित शिक्षक हो, वित्तरहित के शिक्षक हो, मदरसा के शिक्षक हो, संस्कृत के शिक्षक हो, महाविद्यालय के शिक्षक हो, हर वर्ग के शिक्षकों की लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं। बिहार के रोहतास जिले में जनता दल यूनाइटेड का अनुमंडलीय स्तरीय भीम चौपाल और समाज कार्यक्रम कुशवाहा भवन डेहरी में जिला अध्यक्ष अजय कुशवाहा के नेतृत्व में किया गया, जहां कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री सह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार निराला, पूर्व विधायक ललन पासवान, पूर्व विधायक अरुण कुमार मांझी के साथ पूर्व विधायक प्रभु नाथ राम और पूर्व विधायक रेणु देवी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का स्वागत वरिष्ठ जदयू नेता और प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर निर्मल सिंह कुशवाहा ने फूल माला पहनाकर किया। हम लोग पूरे बिहार के अनुमंडलों में जनता दल यूनाइटेड के तरफ से भीम चौपाल कार्यक्रम कर रहे हैं। आपको मालूम है कि आगामी 14 अप्रैल हम लोग ने और माननीय नेता ने सोचा कि जन्म दिवस के पहले हम लोग एक माह तक पूरे बिहार में कार्यक्रम करें, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का जो प्रेरणा था और सोच आज बिहार के क्रांति के खिलाफ में बहुत काफी प्रयास कर रहा है माननीय नेता के सौजन्य से। तो हम लोगों ने कहा कि जितनी भी योजनाएं माननीय नीतीश कुमार जी ने चलाई दलितों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके बजट के लिए, उनको आगे लाने के लिए, तो इस सारी चीजों का हम लोग चर्चा भी करते हैं। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दावपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबर की ओर। बिहार में सहरसा जिले के प्रेक्षागृह सभागार में पब्लिक एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर एसोसिएशन कोसी रेंज सहरसा द्वारा आयोजित प्रतिभा खोज प्रतियोगिता परीक्षा में सफल बच्चों को पारितोषिक और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया, जहां समारोह का उद्घाटन विधान पार्षद डॉक्टर अजय कुमार सिंह, जिप अध्यक्ष किरण देवी रेडक्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर कबूल कलाम सहित अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से किया है। प्रतिवर्ष प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन की जाती है, उसमें जो बच्चे सफल होते हैं उसे जिला स्तर पर बड़े बड़े पदाधिकारी एवं महान हस्तियों द्वारा उनके हाथों से बच्चों को पुरस्कार दे करके उन्हें हौसला को बुलंद किया जाता है। यह कार्यक्रम लगातार हम निजी विद्यालयों द्वारा चला रहे हैं, जिससे कि बच्चे अच्छे बने और एक देश के सुंदर नागरिक बने, इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं।
बहुत सारे मेधावी छात्र जो आज प्रथम पुरस्कार लिए हैं, द्वितीय पुरस्कार और तृतीय पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं और साथ ही निजी विद्यालय स्कूल एसोसिएशन जो पब्लिक एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर एसोसिएशन है, इनका मैं बहुत ही कायल हूँ कि इन लोगों ने सुदूर, इनके एसोसिएशन से जुड़े स्कूल ने सुदूर देहाती क्षेत्रों में भी अपने शिक्षा दान और विद्यादान का परचम लहराया है। हम सहरसावासी होने के नाते इनका आभार व्यक्त करते हैं कि आप स्कूली शिक्षा को आप लोग बेहतर ढंग से बना रहे हैं और बच्चों को शिक्षा दान दे रहे हैं, और हम चाहते हैं कि एक बेहतर सहरसा और एक बेहतर देश का निर्माण। बिहार में बाढ़ जिला के बेलछी थाना क्षेत्र के हसनपुरा पंचनामा नदी से एक महिला के शव को पुलिस ने बरामद किया है। जहां पुलिस के अनुसार 3 दिन पहले महिला का पति के साथ विवाद हुआ था। हालांकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही घटना की पूरी पुष्टि हो पाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। तीन चार दिन पहले मतलब सूचना मिला था, मारपीट हुआ है पति पत्नी में और वो औरत अभी पानी में सैलाश मिला है। कहाँ पे? हसपुरा है, हसपुरा नदी है, पंचनामा नदी से। कहाँ पर पड़ता है? बेलछी थाना में। बेलछी थाना, क्या लगता है प्रथम दृष्टया पानी सैलाश मिला? अब डॉक्टर साहब जो रिपोर्ट देंगे वो मानेंगे, हम कैसे बता सकते हैं कि मर्डर है कि मार के फेंका हुआ है कि पानी में गिर के हुआ। बिहार के सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के पश्चिमी पंचायत के वार्ड नंबर 3 डिगा चौक के पास सैकड़ों महादलित परिवार को बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजना का अब तक एक बूंद भी पानी नहीं नसीब हुआ है। जहां महादलित परिवार ने बताया कि जब से इस योजना की शुरुआत हुई है तब से अब तक हम लोगों को पीने के पानी का नसीब नहीं हुआ, लेकिन दिखावे के लिए सभी घरों में योजना का पाइप लगा हुआ है और उसमें से आज तक पानी नहीं आया। ऐसे में लोग पानी के नाम पर आयरन युक्त और पानी पीने पर मजबूर हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर है विजयपुर में। अच्छा, आप लोगों के घर में लगा हुआ है टूटी? हाँ, टूटी लगा हुआ है, उसमें पानी नहीं आता तक है। नहीं, तो क्या कहना चाहते हैं सरकार? हम लोग को यही कहते हैं कि बगल में टंकी चाहिए जो हम लोग का सुविधा सब पूरा टोल में हो जाए, यहाँ से लेकर वहाँ तक है पूरा बस्ती। कौन सा टोल है ये? विजयपुर डिगा चौक। आज के लिए बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका, आधे घंटे होगा भरपूर मनोरंजन।